हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा और जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स में लाहौल स्पीति का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए इसके लिए वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से हर साल विंटर स्पोर्ट्स के इवेंट स्पीति में हो रहे हैं, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय इवेंट करवाने की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि स्विट्जरलैंड की तरह लाहौल स्पीति का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे। हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा और जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने दावा किया है कि स्पीति घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। रामलाल मारकंडा ने कहा कि ऑल इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के समापन अवसर पर 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें हिमाचल की टीम भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से चैंपियनशिप के समापन पर खिलाड़ियों के लिए संदेश भेजा है। मौसम खराब होने के कारण अनुराग ठाकुर लाहौल स्पीति नहीं पहुंच पाए। मारकंडा ने कहा कि इस आयोजन में 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 25 दिसंबर को नेशनल आइस हॉकी कैंप का आयोजन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय पुरुष वर्ग की आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भी स्पीति में करवाने की मांग की गई है। खुलने के बाद जो है लाहौल स्पीति को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। हम कभी कहा करते थे कि जो है स्विट्जरलैंड जो है स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल नेशनल लेवल का जो है स्कीइंग कंपटीशन होता है। हमने लास्ट टाइम राष्ट्रीय लेवल का जो है स्टेट लेवल का नेशनल लेवल का जो है स्कीइंग कंपटीशन वहां पर कराया है। उसी तरह से हमने लास्ट ईयर जो है आपका चादर ट्रेकिंग, आपका आइस क्लाइंबिंग, उसके साथ आपका शूटिंग वहां पर कराया है। इस बार हम अभी हम 20 तारीख से जो शुरुआत कर रहे थे, 23 तारीख को जो है लाहौल के अंदर सनो क्या कहते हैं आपका सनो के ऊपर जो है राइडिंग कराने का तो नाम हमने रखा है। लाहौल के अंदर खोक्सर के पास सिसु के टनल के पास हमने जो है एक एक्सपेंडिचर रखा है, हमने मोटरसाइकिल का रखा हुआ है कि वहां पर है सनो बियर के नाम पर रखा है, उसका क्लोजिंग करने में जा रहा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल का हम स्कीइंग वहां करा रहे हैं और चादर ट्रेकिंग कराने वाले हैं और स्पीति के अंदर जो है ब्रॉन बियर भी हम वहां पर एक्सपेंडिचर हम कराने वाले हैं। इस तरह से कौन सी योजनाएं लाहौल में पहुंची है, आप सर टूरिज्म के लाहौल स्पीति को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। जिस तरह से हमारे होटल व्यवस्था जो है, जिससे मैंने कहा कि सनो फेस्टिवल का नया आगाज किया है, लगभग 490 के करीब करीब होम स्टे हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है। लाहौल के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और आए दिन जो है लाहौल के अंदर जिन्होंने देखा कि जनवरी 25 से लेकर 2-25 तक जो है हमें जो हिसाब से होटल के बुकिंग थे वो हमें सारे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन और जो जिस तरह से यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है उस चक्कर में लाहौल स्पीति होने सारे होटल्स कैंसिल करने पड़े हैं। और जिस तरह से हमारे 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो है एक दिन में 7,000 से 8,000 गाड़ियां लाहौल जाती थी जो टूरिस्ट वहां जाते थे, जो जब से ये ओमिक्रॉन का जो नया थर्ड वेव आया है उसके कारण रोकना पड़ा है। सनो फेस्टिवल भी उस लेवल पर नहीं करा पाए क्योंकि सनो फेस्टिवल के कारण हमें लगता था कि हमने एक तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाया है और दूसरी तरफ से हम चाहते हैं कि हम जो है ओमिक्रॉन या कोविड को वहां पहुंचाए। ऐसे में हमने शिफ्ट किया है तो सनो फेस्टिवल हमने इस बार कहा है, हमने थोड़ा सा उसको मूलभूत बदलाव दिया है हम पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 75 दिन चलने वाला सनो फेस्टिवल स्टार्ट किया है। हमने इस बार कहा सनो फेस्टिवल जो है जो हमारे फेस्टिवल है उसी दिन को फेस्टिवल मनाएंगे। हमने फेस्टिवल का आगाज जो है 14 तारीख से केलो जो हमारा उदयपुर है तिलोकना जो हमारा दो धर्मों का संगम है वहां से शुरुआत की है और लगता है कि टनल बनने के बाद जो है लाहौल स्पीति को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। टूरिज्म बहुत पहुंचा है और सर जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको हम वहां पर पैराग्लाइडिंग के लिए भी 3 जगह लाहौल में चिन्हित किए हैं, स्पीति में भी किए हैं, गर्मियों में पैराग्लाइडिंग शुरू करेंगे। लाहौल स्पीति को पहली बार जो है ऑल इंडिया नेशनल लेवल का जो है चैंपियनशिप आइस हॉकी वुमेन्स का मौका मिला है। 16 तारीख को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद ठाकुर जयराम जी जिन्होंने इसका उद्घाटन समारोह पे गए थे शुरुआत किया है और आज भारतवर्ष के हमारे युवा खेल मामलों के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को जाना था, मौसम खराब होने के कारण आज वो जा नहीं पाए। आज इसका समापन है, समापन हमारे इसका जो है आज एडीएम काजा कर रहे हैं। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है, उसमें से तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़, आईटीबीपी, लद्दाख, मध्य प्रदेश और बीएसएफ, इन सब टीमों ने वहाँ भाग लिया है। और इस बार पहली बार जो है लगभग 400 के करीब करीब हमारे स्पीति बच्चों का इनरोलमेंट किया है। 25 तारीख को हमने नेशनल डेवलपमेंट कैंप्स का शुरुआत किया था, उसमें जो है मुझे जाने का मौका मिला। लगभग जो है 15 दिन हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कैंप के लिए मौका मिला है, उसमें मंडी के लोग वहाँ पहुँचे, तीनों लाहौल स्पीति के बच्चे भी वहाँ पर जो है उस ट्रेनिंग कैंप में गए थे। और आगे भी ये मुझे लगता है निरंतर ही परंपरा चलता रहेगा कि हमें नेशनल लेवल का जो है ये कैंप आयोजन करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर हमें राष्ट्रीय लेवल के हमारे महामंत्री हैं जिंदी जी, वो भी वहाँ हरजिंदर जिंदी जी वहाँ मिले। उनका था कि इसी साल हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल का जो मेन्स है जो आइस हॉकी जो है वहाँ कराएंगे, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है।
हम चाहते हैं जिस तरह से इसका हमें लाहौल स्पीति में जितना मौका मिला है, जिसका लाभ मिला है क्योंकि नेशनल इवेंट लाहौल स्पीति मिला है, स्पीति मिला है, और इसके साथ साथ जो है हमारे सड़कें भी खुली रही है। आज मौसम खराब होने के कारण हो नहीं पाया, और लाहौल स्पीति के लोगों का, विशेष स्पीति लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सड़कों में हमने होम स्टेज में भी हमें फैसिलिटेट किया है, और होटल चलाने का मौका मिला हमें, हमने होटल में भी हमें उनकी गाँव के जो हमारे बाहर के बच्चे थे वहाँ बिठाया है। लगता है कि आने समय में टूरिज्म के साथ जो हमारे स्पीति के लोग जो पलायन करते थे विंटर्स में, इस साल मैंने देखा कि दो तीन तीन सालों से निरंतर स्पीति के लोग वहीं बैठे हैं। अन्यथा जो है हमारे जो है धार्मिक यात्रा के लिए लोग निकलते थे, लद्दाख जाते थे कुछ लोग आपके रिवांगसर लेह में, कुछ लोग हमारे काठमांडू जाते थे। इस बार बहुत संख्या में लोग नहीं निकले क्योंकि उनको व्यवसाय वहां मिल चुका है। इस कारण स्पीति के लोग, बहुत कम लोग जो है धार्मिक पिलग्रिमेज के लिए बाहर निकले हैं। मुझे लगता है आने समय में लाहौल स्पीति का मेरा नाम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आएगा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी हमने फैसला किया है कि वो हम पर इसका आयोजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।